नमस्कार, मैं ईशी भाटी और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। कोरोना महामारी के कारण पिछले 7 महीने से स्कूल बंद थे, जो आज सरकार की गाइडलाइन से खोले गए हैं। वहीं आज हमारी टीम ने कुछ स्कूल का दौरा किया और वहां का हाल जाना। वहीं स्कूल की ओर से सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए पहले बच्चों को सैनिटाइज किया और उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग की गई। वहीं स्कूल की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को दूरी बनाकर स्कूल में क्लासरूम में बैठाया गया। वहीं सबके मुंह पर मास्क लगे नजर आए। स्कूल की ओर से बच्चों को पहले ही बोला गया था कि अपने घर से खाना और पानी लेकर आए। वहीं स्कूल में ना तो अटेंडेंस लगाई गई, ना ही मॉर्निंग प्रेयर की गई। मेरा नाम हर्षीन है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। आज 7 महीने के बाद स्कूल खुले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे टीचर्स के साथ हम अच्छी तरह से डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ा नहीं जा रहा था और दिल भी नहीं कर रहा था घर पर बैठ के पढ़ने का, तो स्कूल आके अच्छी तरह पढ़ा जा रहा है और टीचर्स अच्छी तरह से डाउट क्लियर हो सकते हैं। स्कूल आने से सबसे पहले स्कूल की अच्छी तरह से सफाई भी हुई है और हमें सैनिटाइज भी करवाया अच्छी तरह से। हम सारी टीचर्स ने भी मास्क पहने और स्कूल के स्टूडेंट्स ने भी सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी तरह से की हुई है। आज ऑनलाइन क्लासों में अच्छी तरह से समझ नहीं आता था, अब आज फेस टू फेस टीचर्स के साथ बैठकर हमें अच्छी तरह से समझ आ रहा है और सारे डाउट्स पूछे जा सकते हैं। और जैसे स्कूल आने से पहले हमारा हाथ सैनिटाइज भी करवाए थे और टेम्परेचर भी चेक हुआ था। फिर वापस यहाँ आकर पहले हमने प्रेयर करी, फिर हमें हमारे टीचर ने हमें जैसे पहले होता था हमें पढ़ाया और नया चैप्टर शुरू करवाया। तो मेरा कहना यह है कि सब पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। ऑनलाइन क्लासों में ज़्यादा क्लियरली नहीं समझ आता और यहाँ पे आके ज़्यादा समझ आता। आज पहला दिन स्कूल आया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, टीचर्स बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर रही हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ समझ आ रहा है, जैसे ऑनलाइन क्लासों में क्लियरली नहीं पता लगता। आपने देखा कि बच्चों ने बताया कि आज 7 महीने बाद स्कूल आकर उन्हें कितना अच्छा लगा। भले स्कूल द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन फेस टू फेस अध्यापक के सामने पढ़ाई करने का कुछ अलग ही ढंग है। वहीं बच्चों ने बताया कि उन्हें पहले सैनिटाइज किया गया और थर्मल स्क्रीनिंग की गई और क्लास में पूरी सोशल डिस्टेंसिंग रख कर बैठाया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगा आज स्कूल में आकर। सर की नाम है संजीव कुमार जी। संजीव जी, आज करीब 7 महीने बाद स्कूल खुले हैं, तुम स्कूल आए हो? हाँ जी। स्कूल वाले ने बुलाया, कितना तो लग रहा है बच्चों को स्कूल भेजोगे कि नहीं? नहीं, हले ठीक नहीं है माहौल, जो माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा फिर भेजेंगे। की लगता तो मैं हले भी लगता भी हले 1-2 महीने होर वेट करनी चाहिए स्कूल वाले नो, हले तो कोई भी पेरेंट्स नहीं जाऊगा बच्चे आन स्कूल। यार तुम आए हो, कितना लग रहा है स्कूल का माहौल? कितना लग रहा है स्कूल का माहौल? कोई खास आए नहीं बच्चे हले, ना ही कोई राजे आ गए, बुलाया तो है इन्होंने पर मुश्किल है हले। जैसा आपने सुना कि कुछ बच्चों के माता पिता का कहना है कि अभी भी कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है और हम अभी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, अभी 1 महीना और स्कूल बंद रहना चाहिए ताकि कोरोना बीमारी पर कंट्रोल किया जा सके, जब तक बीमारी समाप्त नहीं होती तब तक हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि आज स्कूल 7 महीने बाद खुले हैं और आज हमने 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को स्कूल बुलाया है। हमारी ओर से सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और उनका कहना है कि बच्चों के स्कूल आने से स्कूल में रौनक आई है। हमारी ओर से ऑनलाइन शिक्षा भी जारी रहेगी। मैम, आज 7 महीने बाद स्कूल खुले हैं, कितनी स्ट्रेंथ आ गई और पेरेंट्स भी की डिलीवरी? देखो जी, 7 महीने बाद स्कूल खुले है, स्कूल लिए बहुत ही खुशी का दिन अज साडे लिए सीगा भी साडे बच्चे जिहड़े आ वापस स्कूल दे विच आणगे, जो कि स्कूल दी किसी भी स्कूल दी जिंद जान बच्चे होंदे है। बच्चों बिना स्कूल कुछ नहीं होता, एक दिल की धड़कन होंगे बच्चे, रौनक होंगी बच्चे। बट जो भी है, जिन्हें भी बच्चे आए हैं असं उन्हों का स्वागत करते हैं, जिन्हें भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों भेजे अज एक हौसला करके असं उन्हों का भी धन्यवाद करते हैं। और बच्चों की स्ट्रेंथ जिन्हें पेरेंट्स ने कंसेंट दिती सी, अपनी विलिंगनैस दिती सी सानू, बट असी ये देखे कि उन्ने बच्चे नहीं आए, हजे थोड़े पेरेंट्स ने अपने बच्चों भेजे है। हो सकता है आने वाले दिनों में एक दूसरे को देखा देखी बच्चे जड़े हैगे वो आना शुरू करन और पेरेंट्स भी हौसला करन और भेजना शुरू करन। कितने परसेंट जड़े पेरेंट्स जड़े वो जो कि अलाउ कर देंगे?
35-40% पेरेंट ने हजे सानू कीता सीगा एक वारी अलाओ, बाकी कुछ पेरेंट्स ने बाद विच दो चार पेरेंट्स है जिन्होंने 2-4 दिन तो बाद मतलब विलिंगनेस दी है अपनी, हो सकता उम्मीद करते हैं कि देख देख के पेरेंट्स आएंगे। हर तरह का अरेंजमेंट है जी, क्लीनलीनैस तो हमेशा ही रखी जाती है, 7 महीने तो चाहे स्कूल बंद है, जदों तो करफ्यू खत्म होया और स्कूल खुले है उदों तो ही स्कूल की सफाई, सैनिटाइजेशन, टैंकियों की सफाई, पानी का इंतजाम, टॉयलेट्स, हर चीज़ बहुत जड़ी है साफ रखी जाती है। कोई भी स्कूल का इंप्लॉय जोड़ा है या कोई भी है वह बिना मास्क तो नहीं आता। अज भी जोड़ा पूरे इंतजाम तुम देख सकते हो, सैनिटाइजेशन का पूरा इंतजाम है, बच्चों के टैंपरेचर चैक करने का पूरा इंतजाम है, मास्क वगैरह अवेलेबल हैं, जो बाई चांस कोई नहीं भी लगा के आता वो है, सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रखा जा रहा। बाकी बच्चों ये हिदायत दी गई सी अपने घरों ही अपना टिफिन लैके आन, क्योंकि बच्चे फिर भी भुख महसूस कर लेंगे, सवेरे नहीं खाते, अपने घर का खाना खाना, किसी नाल शेयर नहीं करना, वाटर बॉटल अपनी लैके आनी है, कोई कंटीन च कुछ नहीं होएगा उन्होंने वास्ते, सब कुछ जो उन्होंने कोई अपनी स्टेशनरी आइटम उन्होंने एक दूजे नाल शेयर नहीं करनी, कोई हैंड शेकिंग नहीं उन्होंने करनी, कितने स्पिटिंग नहीं करनी, कोई चीज़ ओपन च नहीं सीटनी, क्लोज डस्टबिन के बच्चे ही उन्होंने पानी है, ताकि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, पूरी वेंटिलेशन का पूरा इंतजाम है प्रॉपर क्लासों। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।